हेलो एवरीवन क्या हाल चाल वेलकम टू माय चैनल सो गाइज आज हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को रिवाइज करेंगे की नोट्स टू पॉइंट ओ से दिस इज एन अमेजिंग सीरीज जहां पे हम पंद्रह मिनट में एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे लास्ट ईयर भी आपने देखा था की नोट से सारे सवाल आते हैं तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा टी डॉट एम स्लैश आन मनी जीरो जीरो वन इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और मेरे वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है चलिए लिविंग वर्ल्ड में सवाल जो आता है वो ऑर्गेनिज्म से सबसे आता है। बट हमें तो यहां पर देखोगे आप यहां पर आपको नहीं पढ़ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं नाइनटी चांस है सवाल वहीं से आएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सवाल स्टार्ट होता है ठीक है तो क्या क्या है भैया प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पहला प्रॉपर्टीज है ग्रोथ ग्रोथ क्या हुआ इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीज़न ठीक है कुछ ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और डिवीज़न या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही बात होती है जैसे यूनिसेलोर ऑर्गेनिज्म में ठीक है ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड साइज तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं जैसे माउंटेन्स देखोगे सेडिमेंट एब्जॉर्व होने की वजह से वो भी ग्रो करता है ठीक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं जिसको हम इंट्रेंसिक ग्रोथ कहते हैं तो याद रखिएगा ग्रोथ ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लीजिएगा पहला पॉइंट यहां से जो पहला सवाल आ गया इंट्रेंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल बिना सेक्स के और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड सेल डिविजन या रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज द सेम थिंग कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते कैसे जैसे म्यूल म्यूल्स तुम्हारे हॉर्स और आ, डंकी के साथ म्यूल बनते हैं वो स्टेराइल होते हैं वर्कर भी स्टेराइल होती है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल स्टेराइल होते हैं तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अभी तक हमने देखा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है नहीं सर जी इंटेंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है यस yes, सर जी रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है नो no, सर जी रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म में हम क्या देख रहे हैं सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग इन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा ब्रेकडाउन वाला जो चीज है वो कैटाबॉलिज्म है और जितना आप एड कर रहे हो वो एनाबोलिज्म है क्या ये डिफाइनिंग फीचर है बिल्कुल मेटाबॉलिज्म फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के आउटसाइड भी हो सकते हैं वो लिविंग रिएक्शन होते हैं बट दे आर नॉट लिविंग थिंग जैसे एक टेस्ट ट्यूब में मैं कुछ गर्म कर रहा हूं तो वो लिविंग रिएक्शन है बट इट इज नॉट लिविंग थिंग ठीक है फिर बात करते हैं सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है हां जी सेल्यूर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स कैसे तो सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गेन फिर ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म तुम्हारा आ जाता है ठीक है फिर बात करते हैं कॉन्शियसनेस की कॉन्शियसनेस मतलब होने का एहसास ठीक है तो क्या होता है कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्ट्यूमलाई ठीक है और इस ट्यूमलाई पे हम रिस्पॉन्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं स्ट्यूमिलाई पे हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं और इस फिनोमिना को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्ट्यूबलाइज एनवायरमेंटल स्ट्यूबलाइज मतलब एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ठीक है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स तो इसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं विच इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद के होने का एहसास तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर ह्यूमन बीइंग्स इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग याद रखिएगा ठीक है तो क्या क्या डिफाइनिंग फीचर हमने देखा हमने डिफाइनिंग फीचर में देखा कॉन्शियसनेस ग्रोथ हमने, हमने, हमने याद सिर्फ ग्रोथ देगा तो इट इज नॉट जब तक इंटरनसिक ग्रोथ नहीं दे रहा तब तक डिफाइनिंग फीचर नहीं है इससे आप एक सवाल अपना लॉक कर सकते हैं दूसरा डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो क्या भैया जितना टोटल डायवर्सिटी प्रेजेंट है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं अभी जो स्पीशीज डिस्क्राइब है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है स्टडी सिस्टमैटिक्स होता है जिसको हम इस पर भी सवाल आया हुआ है ठीक है अब आते हैं बेसिस प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या है तो क्या करते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला उसके बाद क्लासिफिकेशन और उसके बाद फिर करते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताते हैं क्लासिफिकेशन उसको किसी ग्रुप में डालते हैं और फिर उसका फिर नाम रखते हैं नाम कैसे कैसे रखते हैं तो, ये, किया था। किसने? किया था, है? तो क्या क्या है आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमिनचर आईसीज एन इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमक्लेचर और आईसीवीएन इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमिनक्लेचर और आईसीएनबी इंटरनेशनल कोड फॉर नोमिन ऑफ बैक्टीरिया लिख लीजिए आईसीएनबी है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमिनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया और आईसीबीएन क्या है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेंक्लेचर इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमक्लेचर ठीक है तो ये सारे कोड से हम नाम करते हैं साइंटिस्ट वगैरह का ठीक है यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चल अब आते हैं साइंटिफिक नेम लैटिन में लिखा रहता है और इटैलिक्स में लिखा रहता है वेन हैंड रिटन अंडरलाइन करते हैं ठीक है थीके? तो साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन क्यू लैटिन डेड लैंग्वेज है और प्रिंट है तो इटैलिक्स में लिखा रहेगा और जब हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली फर्स्ट वर्ड जीनस नेम या जेनरिक नेम सेकेंड वर्ड स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जैसे होमो सेपियंस तो होमो इज जीनस नेम और सेपियंस इज स्पेसिफिक एपिफेट ठीक है

तो फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज़ जैसे ही आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाओगे ठीक है सिमिलैरिटी डिक्रीज करेगा सिमिलैरिटी डिक्रीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी डिक्रीज करेगा जैसे ही आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाएंगे ठीक है प्लांट्स में फाइलम के बदले डिवीज़न होता है प्लांट्स में फाइलम के बदले डिवीज़न होता है ठीक है आई तो देखिए आप स्पीशीज़ में तो स्पीशीज़ की बात करेंगे तो क्या हो गया ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म लोएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ठीक है ठीक है ठीक जैसे मैंगो मैंगीफेरा इंडिका पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम टोमेटो, सोलानम, लाइको पर्सिकम लिख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो और लिख लो पेंथेरा लियो पेंथेरा टिग्रेस पेंथेरापस होमोसेपियंस सोलानम, मेलोजीना सोलानम, लाइको पीसियम सोलानम ट्यूबरोसम और मैंजीफेरा इंडिका ठीक है तो नाइट साइड्स क्यों छोड़ोगे निगरम याद ही कर लेना ठीक है तो सारे याद कर लेना ठीक ठीक बहुत बढ़िया अब आते हैं जीनस की बात करते हैं जीनस की बात करोगे तो जीनस क्या हो बेटा एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को जीनस कह दिए तो यहां पे देखो क्या आ गया, गया जीनस में पेंथेरा तो पेंथेरा में टिग्रेस भी आ गया और पेंथेरा में पार्डस भी आ गया जैसे लेपर्ड के, के तुम देख रहे हो पेंथेरा जीनस सेम है स्पीसीज नेम अलग हो गया तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस बनाता है ठीक है द जीनस इज डिफरेंट फ्रॉम जीनस फेलिस फेलिस इज द जीनस फॉर कैट्स ठीक है फैमिली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इज कॉल्ड फैमिली जैसे सोलैने से इंक्लूड करता है सोलैनम पिटूनिया धतुरा सारा फैमिली यहां पे आ गया ठीक है फैमिली फेलीडे इंक्लूड करता है जीनस पैंथेरा और फेलिस ठीक है कैट फैमिली हो गया तो इज द फेलीडेज फैमिली फेलिस इज जीनस याद रखिएगा ठीक है ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को ऑर्डर कहेंगे जैसे पे सवाल आया हुआ था पॉलीनोमियल्स इंक्लूड द फैमिली ऑफ कॉनवलिस और सोलैनिस बहुत इंपॉर्टेंट इस पर सवाल आया था ठीक है कार्निवोरा में तुम्हारा आ जाता है

तो ट्रिटिकम एस्टिवम तो एस्टिवम स्पीसी हो गया ट्रिटिकम ये हो गया तुम्हारा जीनस फैमिली पोएसी हो गया पोएल्स है ना मोनो ने मोनोकॉटिले और प्लांट है ठीक है यहां पे डायकॉट एंजियोस्पर्म प्लांट है तो, तो इसमें सब तुम कर लोगे इसमें तुमको याद करने में कहा दिक्कत आएगी सेपिन मैंगो वाले में ठीक है यहां डिप्थेरा याद ही रहेगा यहाँ प्राइमेटा याद ही रहेगा यहाँ मूसीडे याद ही रहेगा ये और ये बस यही चार में डिफरेंस आएगा तुमको बाकी सारा तुमको पढ़ ही जा रहे हो ठीक है मूसा डोमेस्टिका मूसा डोमेस्टिका डिप्थेरे डोमेस्टिक इनसेक्टाथ्रोकोडा एनिमिल होमोसिम्स में तुमको सारा याद ही रहेगा तो ये दो बस तुमको याद करना पड़ेगा बाकी सारे तुमको याद आ जाएंगे ठीक है इंपॉर्टेंट है ये इस पर सवाल आएगा अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है इट इज द स्टोर हाउस रिपोर्टिटरी ऑफ अ प्लांट स्पेसिमेन दैट इज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट एंड अरेंज इन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ठीक है हर्बेरियम शीट्स आर लेवल्ड विद इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्टर इंग्लिश नेम लोकल फैमिली कलेक्टर्स नेम एट्रा तो ये सारे कुछ हर्बेरियम में होता है ठीक है हर्बेरियम भी बहुत बड़ा है बोटानिकल गार्डन क्या हुआ बोटानिकल गार्डन मतलब एक्सिटू कंजर्वेशन शो करता है क्या रखते हैं यहाँ पे प्लांट रखते हैं ठीक है तो दीज आर स्पेशलाइज गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ईस्ट प्लांट इज नेम एंड फैमिली कौन कौन सा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन हावरा, नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ म्यूजियम क्या हो गया कलेक्शन ऑफ प्रिजर्वड प्लांट एंड एनिमल्स ठीक है तो यह डेड होता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस ठीक है तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में जब भी हम रख रहे हैं हम डेड चीज रखते हैं ठीक है दूसरा क्या है स्पेसिमेंट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी रखते हैं फॉर्मेलिन में आप बॉडी का ऑर्गेन्स रख लेते हैं ड्राई स्पेसिमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स भी रख लेते हैं इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं आफ्टर कलेक्टिंग पिनिंग एंड किलिंग और स्टफ्ड एनिमल्स को भी हम रख लेते हैं और स्किल्टन भी रखते हैं तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में आपको दोनों चीज मिल जाएंगे प्लांट भी मिल जाएंगे एनिमल भी मिल जाएंगे वो प्रिजर्व हो सकता है ड्राई हो सकता है उसके बाद लाइव स्पेसिमेन नहीं मिलेगा वहां पे ठीक है जूलॉजिकल बात की बात करेंगे तो यहां पे क्या है? एनिमल्स को एक्सी टू कंजर्वेशन में रखते हैं तो जोलॉजिकल पार्क में क्या है इट इज ऑल्सो एक्सिटू कंजर्वेशन मतलब उसके इनवायरमेंट से बाहर लेके जा रहे हैं और किसको रख रहे हैं हम एनिमल्स को रख रहे हैं एक्सिटू कंजर्वेशन में ठीक है अब आते हैं जहां से सवाल सबसे ज्यादा आने की प्रॉरिटी होता है दैट इज की की क्या होता है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन आइडेंटिफाईनिज्मिटी एंड डिसमिलैरिटी इट इज एनआलिटिकल इन नेचर इस पर सवाल आता है इट इज एनिटिकल इन नेचर हाँ या ना ऐसे या होता है उस पेयर को हम कपलेट कहते हैं ठीक है तो टू अपोजिट ऑप्शन होते हैं ओनली रेलिवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड ईच स्टेटमेंट जो की में होता है उसको हम लीड कहते हैं सब पे सवाल आया हुआ है ठीक है तो क्या क्या आपने देखा आपने की देखा की क्या होता है यूज टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एंड दूसरा क्या देखा कि जो स्टेटमेंट है उसको हम लीड कहते हैं और वो कपलेट के फॉर्म में होता है कपलेट मतलब ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है तो या तो हा है या ना है बीच का कुछ एक्सेप्ट नहीं करता ठीक अब आते हैं फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटलॉग तो फ्लोरा इज द एक्चुअल अकाउंट फॉर हैबिटेट ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इन गिवन गिवन एरिया एरिया तो में जो प्लांट है उसको फ्लोरा कहेंगे मैनुअल क्या करता है रिकॉर्ड करता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग फाउंड इन दैट एरिया एंड मोनोग्राफ बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन मोनोग्राफ बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन ठीक है तो मैनुअल कैटलॉग एक ही बात हो जाता है ठीक है तो फ्लोरा हो गया मैनुअल हो गया और मोनोग्राफ हो गया आपका चैप्टर का द एंड भी हो गया टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद और आप पीडीएफ लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आई होप यू एंजॉय द वीडियो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा दीजिएगा ताकि कोई नोटिफिक मिस ना करे एक दिन में मैं दो से तीन वीडियो डालूंगा और आपकी रिविजन को बिल्कुल स्मूथ कर दूंगा अब यहां पे मैंने खाली जगह छोड़ा है तो जो भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट आपके जो मिस्टेक नोटबुक है इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको एडिशनल पॉइंट लेके आप अपना पूरा नोट्स कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय एंड हैव अ ग्रेट डे थैंक यू